अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है, जिस हवाले से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो है कि किस तरह से हम इनशॉट ऐप के ज़रिए एडिटिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी वीडियो यूट्यूब के लिए और इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर और इसके अलावा टिकटॉक के लिए अपनी वीडियो जो है वो हम एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं ऐप की तरफ। तो मेरे पास ये ऐप डाउनलोड है, इनशॉट ऐप। तो ये ऐप काफ़ी ऐसे एग्री कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो के हवाले से बता दूं, अलाउ कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक फ़ोटो आ रही है इसकी, ठीक है। अब इस फ़ोटो पे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है कैनवास, कि किस तरह से हम इसे ज़ूम कर सकते हैं, किस तरह से हम ज़ूम आउट कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे फ़िट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे अपनी मर्ज़ी से फ़िट कर सकते हैं, ये फेसबुक के मुताबिक कर सकते हैं, ये फेसबुक उसके कवर फ़ोटो के मुताबिक कर सकते हैं, इसके अलावा ट्विटर के मुताबिक कर सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब के मुताबिक कर सकते हैं, इसके अलावा ये जो साइज़ है ये उसका है, YouTube का साइज़ है, इसके अलावा नो फ्रेम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फ़िल्टर्स, कि हम किस तरह इसे फ़िल्टर लगा के, ये देखें, पहले ये ओरिजिनल था, ये वाला ओरिजिनल था और ये वाला मैंने फ़िल्टर लगाया, तो देखें कितना फ़र्क आ रहा है। अब इन फ़िल्टर्स में देख लें, जो आपको प्यारा लगता है, जैसा आपको प्यारा लगता है आप वैसा इसमें लगा सकते हैं, और बहुत ही आला किस्म के इसमें फ़िल्टर भी हैं मौजूद। अब मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यारा ये लग रहा है ब्राइट में, ठीक है। अब ये मैं ब्राइट फ़िल्टर लगा के ओके कर देता हूँ। इसके बाद है एडजस्ट का ऑप्शन। एडजस्ट में हम हर तरह से इसकी लाइटनेस को भी कर सकते हैं, लाइटनेस जहाँ पे बढ़ानी है हम क्लिक कर देंगे, ये लाइटनेस बढ़ गई, ये कम होगी, ठीक है। इसके अलावा कंट्रास्ट को भी हम कर सकते हैं, कि कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉर्म्थ की ऑप्शन है, कि हम किस हद तक इसे वॉर्म कर सकते हैं वीडियो को। टिंट की ऑप्शन है, सैचुरेशन की ऑप्शन है, HSL की ऑप्शन है, फेड की ऑप्शन है। फेड भी काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है, फेड से हम अपनी पिक्चर जो होती है उसे क्लियरनेस दे सकते हैं। इसके अलावा हाईलाइट है, हाईलाइट भी बहुत अच्छी चीज़ है। शेडो है, हम जो शेडो आ रहे हैं पिक्चर में उसे डार्क वाजिया भी कर सकते हैं और इसके अलावा गायब भी कर सकते हैं, इसको माइनस में कर देते हैं। इसके अलावा कलर है, कलर भी हम इसमें बढ़ा सकते हैं, जिस किस्म का भी कलर हम देना चाहें इसमें हम दे सकते हैं। इसके अलावा इससे आगे आ जाता है ह्यू का ऑप्शन। ह्यू का ऑप्शन भी बहुत ही वायरल है और फ़ायदेमंद है। इसके अलावा विजन एड का ऑप्शन है, इसके अलावा शार्पन का ऑप्शन है, किस तरह हम अपनी पिक्चर को शार्प कर सकते हैं, ग्रेन का ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास वापस बैक जाके आ जाता है इफ़ेक्ट, कि हम इफ़ेक्ट क्या डालना चाहते हैं। ये देखें, अब इस तरह का ये इफ़ेक्ट है, ये इस तरह का इफ़ेक्ट है। इसके अलावा हम जिस तरह के मर्ज़ी चाहें इफ़ेक्ट हम इस वीडियो में डाल सकते हैं और इस पिक्चर्स में भी डाल सकते हैं। वीडियोस के लिए भी ये इफ़ेक्ट्स हैं और पिक्चर्स के लिए भी इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड है, हम अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, वाइट करना चाहते हैं, जिस तरह का मर्ज़ी हम करना चाहते हैं तो वो हम अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेम्पलेट। टेम्पलेट हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास बनी बनाई चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट को ज़्यादातर इस्तेमाल प्रो के लिए किया जाता है। तो इसके बाद है कट आउट है, कि हम किस तरह अपनी एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर्स के साथ जोड़ सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कट की, किस तरह मैं रेज कर सकता हूँ इसे। अब देखें, ये मैं रेज कर रहा हूँ और किस तरह इसे मैं ओके कर सकता हूँ, यानी ड्रॉ कर सकता हूँ। अब इससे मैं पिक्चर भी जोड़ सकता हूँ और इसके अलावा मैं हर चीज़ इससे कर सकता हूँ। इसके अलावा क्रॉप की ऑप्शन है,
कि अगर मैं चाहता हूँ छोटी तस्वीर है या बड़ी तस्वीर है इसको भी हम क्रॉप कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली भी नीचे फ्रेम्स आ रहे होते हैं उसके ज़रिए कर सकते हैं। इसमें फ्रेम की ऑप्शन है कि हम किस तरह के फ्रेम में अपनी पिक्चर या वीडियो को बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है रोटेट कि हम किस तरह की रोटेट करना चाहते हैं। हम इसमें जूम भी कर सकते हैं अपनी पिक्चर को, एंगल भी सेट कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना YouTube चैनल टेक ऐप इन्फो। अल्लाह हाफिज़।